भोपाल के ठेंगड़ी भवन में आज से आरएसएस के सत्र चलेंगे, जिसमें संघ प्रमुख मोहन भागवत आज और कल क्षेत्र के प्रमुख कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। 16 और 17 अगस्त को मोहन भागवत छत्तीसगढ़ प्रांत के कामकाज की समीक्षा करेंगे। इस चर्चा में कोरोना संकट से स्वयं सेवकों द्वारा किए गए सेवा कार्यों की भी समीक्षा की जाएगी। ठेंगड़ी भवन में होने वाली चर्चा के कारण राजनीतिक माहौल भी गर्मा गया है। आरएसएस प्रमुख का 20 दिनों में दूसरा दौरा कहीं न कहीं राजनीति से भी जोड़कर देखा जा रहा है। मोहन भागवत का 20 दिन में दो बार मध्य प्रदेश की राजधानी में आना कहीं न कहीं राजनीति के स्थलों को भी बहुत तेज कर दिया है। अगर देखा जाए तो आज उनकी दूसरी बार बैठक, 20 दिन में दूसरी बार बैठक भोपाल राजधानी में आरएसएस कार्यकर्ताओं के साथ है। आने वाले चुनाव की लेकर बात कर ली जाए तो आने वाले चुनाव में 27 सीटों पर जो चुनाव है और राजनीतिक उसके समीकरण अभी से लगाए जा रहे हैं। अगर इस बैठक को देखा जाए तो कहीं ना कहीं राजनीतिक इसमें भी परिवेश निकल रहा है कि क्या 27 सीटों पे किस प्रकार के आरएसएस के लोग कार्य करेंगे और कोरोना को लेकर इसमें समीक्षा बैठक है कि आरएसएस के कार्यकर्ता किस प्रकार से घर घर जाकर भी कोरोना को रोकने के लिए प्रयास कर सकते हैं। देखना होगा आरएसएस की बैठक में से क्या निकल के सामने आता है, क्या राजनीतिक समीकरण है या फिर इसके ऊपर कोरोना को लेकर कोई बैठक का कुछ समीकरण निकल। कैमरा पर्सन दीपक पाटीदार के साथ संजय डोंगर, दिव्य भोपाल।